नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान 70% महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत हो जाती है बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता कि कमर दर्द में पेल्विक मसल्स में जब पेन स्टार्ट होता है तो प्रारंभिक चरणों में कौन सा उपचार करना है घरेलू जिससे आपको राहत मिल पाए बहुत बार गलत स्टेप उठाने की वजह से घर में पल रहे शिशु पे भी बहुत भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सारे लक्षण जो प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द शुरू होते हैं वो कब होते हैं क्यों होते हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियों के कारण ये बढ़ जाते हैं देखिए फ्रेंड्स वैसे तो गर्भावस्था में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं हर एक महिला को अलग तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है पूरे नौ महीने के दौरान में आपकी ये बहुत ही ज़्यादा समस्या का विषय होता है कि आपको अगला स्टेप या फिर अगला चरण में कौन सा प्रॉब्लम की डेट होने वाला है क्योंकि सभी का शरीर अलग है सभी के अलग अलग जो हार्मोन्स हैं उनका परिवर्तन होता रहता है और इसी दौरान अलग अलग तरीके की परेशानियां भी उत्पन्न होती रहती है लेकिन 70 परसेंट से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत किसी न किसी महीने में स्टार्ट हो ही जाती है आमतौर पर यह तीन महीने या चार महीने के बाद ही शुरू होती है ये पेन दो तरीके के होते हैं बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है फ्रेंड्स प्रेग्नेंट होने के पहले से ही कमर दर्द की शिकायत होती है बहुत ज्यादा काम कर लेती हैं बहुत ज्यादा थक जाती हैं या फिर और भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो उनके बैक बोन में प्रॉब्लम आती है और उनको बहुत ज्यादा तीव्र पेन होता है लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पेन आपका बढ़ भी सकता है दूसरा होता है पेल्विक एरिया से शुरू होने वाला पेन जो कि पीठ के तरफ चला जाता है बाद में तो ये बाद में आपको होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब आपका छह महीने का गर्भ हो जाता है या फिर आपके अगले जो डिलीवरी डेट का समय होता है आठवां या नौवां महीना लगता है तब से शुरू होना स्टार्ट हो जाता है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं जैसे कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती हैं नॉन स्टॉप काम करती हैं और बीच बीच में रेस्ट नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करती हैं एक ही जगह जगह पर बहुत देर बैठे रहती हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके मसल्स को स्ट्रेच करने का मौका नहीं मिलता ये रिलैक्स नहीं हो पाते और यहाँ पे आपको दर्द होने लगता है साथ ही साथ बढ़ता हुआ पेट आपका गर्भाशय भी बढ़ रहा है बच्चा भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके बैकबोन पर दिखाई देता है इसके अलावा गलत तरीके से उठना बैठना और सोना सोने की स्लिपिंग पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि बच्चा का विकास भी आपके स्लिपिंग पोजीशन पर डिपेंड करता है तो अगर आप गलत तरीके से सोती हैं तो भी आपको दर्द की शिकायत होने लगती है बात करते हैं यह दर्द कितना गंभीर हो सकता है सो so, दोस्तों देखिए गंभीरता से इस दर्द को आपको शिशु को लेकर के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है शिशु पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता सारे इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर पड़ते हैं आपको बहुत सारी परेशानियां होती है जैसे उठते समय सोते समय करवट लेते समय शौचालय जाते समय बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और इस दौरान आप सो नहीं पाती हैं बेचैन हो जाती हैं तो सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो लेते हैं आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपको गंभीरता से इस चीज को नहीं लेना है आपको ये सोच के चलना है कि नौ महीने के बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी ये प्रॉब्लम आपके अपने आप ठीक हो जाएगी क्योंकि ये एक प्राकृतिक समस्या है जिससे आपको जूझना पड़ सकता है इसको राहत देने के लिए आप कुछ हद तक इसे कम कर सकती हैं जिसके लिए आप एक अच्छे तकिए का इस्तेमाल करिए जब आप बैठती हैं पीछे आप तकिया लगाया करिए जब आप सोती हैं तो करवट लेकर के सोया करिए उठते समय भी करवट लेकर के उठिए साथ ही साथ अगर बैक बोन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो खुद के हाथों से थोड़ा मसाज कर लीजिए किसी और से नहीं करानी है क्योंकि कोई और आपके शरीर के ऊपर अगर प्रेशर देता है तो उसे पता नहीं होता कि ये प्रेशर आप झेल पाओगे या नहीं अगर वो मसाज करता है तो इससे आपकी दिक्कत और भी बढ़ सकती है इसलिए हल्के हाथों से आप खुद से मसाज करिए जितना आप सहन कर सकती हैं इसी के अलावा फ्रेंड्स अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए ताकि आपको सही समय पे जो भी मेडिकेशन है उसको स्टार्ट किया जा सके प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी बिना सोचे समझे दवाइयाँ आपको नहीं लेनी होती है क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपके बेबी पे भी पड़ता है इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बहुत ज़्यादा परेशान होने की इस कमर दर्द से आपको ज़रूरत नहीं है बस उठते बैठते समय और काम करते समय थोड़ी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा भारी वजनी सामान आपको नहीं उठाना है बहुत जल्दी से सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है जितने भी काम करने हैं आराम कर करके करने हैं और जितना हो पाता है आपसे उतना ही करना है बहुत ज्यादा अपने शरीर को थकाना भी नहीं है तो आई रियली होप अब आप, आप समझ गए होंगे कि आपको अगर कमर दर्द की शिकायत है तो क्यों हो रही है आपको कैसे इसको आराम देना है और किस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना है तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पैंड करती हूँ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आई को फॉलो करके आपके जो भी प्रश्न हैं वो मुझे आप पूछ सकते हैं तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पैंड करती हूँ जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप रखिएगा दोस्तों पूरा ध्यान चेक केयर नमस्कार